बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है, इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के मुजफ्फरपुर में दौरे पर आए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा है कि जो बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो आंकड़ा पेश किया गया है, जो सार्वजनिक किया गया है, वो आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। देखिए, उनके इस बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब बिहार में जो आंकड़ा जनिक हुआ है वो आंकड़ा गलत है, तो अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में खुले मन से ये क्यों नहीं कह दिया है कि आंकड़ा बिहार में गलत है तो हम पूरे देश में कराएंगे। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। बेनकाब हो गया है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, बेनकाब हो गया है, इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे, नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे, आईआईटी में 20 लड़का के 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में कैगो रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे, कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुई है। ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा, कि 2032 में होगा, कि 2035 में होगा, कब होगा ये पता नहीं। कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाया अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे एक बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में, अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते, उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फंस गए। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली थी या कि विशेष सत्र बुला के आप कौन सी करना चाहते थे? वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है, दिखा रहे ऐसे शब्द बाग, ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 में शब्द बागी ने दिखाए थे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे,
अभी तक तो एको आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं दिया। कितना रोजगार दिए ही ना मुजफ्फरपुर में आके बताना चाहिए था आपको कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो 9 साल में 18 करोड़ के बदले हमने इतना रोजगार दिया, ये ना बताना चाहिए था। माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए थे, मुजफ्फरपुर गए। हम लोग बराबर कहते हैं कि जितना मन करे जितना बार मन करे उतना बार आए। स्वागत है यहाँ गुरुजी के लिए। लेकिन जो भाषण देते हैं और जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है तो स्क्रिप्ट को कहिए थोड़ा सही लिख लें, और जब बोलते हैं तो जनता से कहते हैं कि बोलो और कोई जनता बोलती ही नहीं, तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा और हृदय से बोलिएगा, सच्चाई के साथ बोलिएगा तो लोग उसको सुनेगा। आप ऐसे ही आते हैं भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा, कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे थे जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल, भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गणना का फैसला हुआ, ठीक है वो सरकार में शामिल थी, लेकिन आपको ये बताना चाहिए था ना कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको ये बताना चाहिए था ना कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गणना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको यह बताना चाहिए था ना कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। और अगर आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ आपकी पार्टी इस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया, पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था, जिस विभाग के आप मंत्री हैं। तो आपको यह भी ईमानदारी से बताना चाहिए था, ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर लेकिन हम भीतर भीतर षड्यंत्र कर रहे थे इसको रोकने का, ये बात आपको बताना चाहिए था। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है, अरे भाई आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे, तो गलत साबित करिए, करना धरना है ना। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई, अरे पिछड़ों की संख्या घट गई, अति पिछड़ों की संख्या 37% है। आपको गृह मंत्री की कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों संख्या के बारे में, बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई और दोनों मिला के पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63%। तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं, है कि नहीं, अरे ऐसे थोड़ी होता है।
सच बात बोलिए, आपको कहना चाहिए था सीना टोक के, यहां हमने कराया था और हमने षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई था और ईमानदारी थी, और ईमानदारी से आप बताते तो बात समझ में आ जाती। तो अभी आपने देखा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि अमित शाह मुजफ्फरपुर से मंच में भाषण के दौरान ये क्यों नहीं कह दिए कि बिहार में जाति आधारित जो गणना गलत हुई है तो पूरे भारत में जाति आधारित गणना करके दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन 9 साल पूरा हो गया, 18 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ गया, ये भाषण के दौरान उन्होंने क्यों नहीं कहा। ये लोग जुमला लोग हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और भी क्या कुछ कहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आपने इस वीडियो में सुना। बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।